दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर लैब रन करते हैं या आप एक साइबर कैफ़े चलाते हैं या आपका कोई छोटा ऑफिस है जहां पर आपको कंप्यूटर्स पर काम करना होता है और आपका जो काम होता है वो जनरली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड होता है या इंटरनेट सर्व करना होता है या कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड काम होता है या कह लीजिए आपके जो बेसिक काम है वो आप करते हैं, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं ये डिवाइस जिसका यूज़ करके आप अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बचा सकते हैं। दोस्तों, इस डिवाइस के थ्रू आप अपने एक कंप्यूटर से 4, 5 या 10 कंप्यूटर चला सकते हैं। किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक मेन कंप्यूटर होगा और इससे थिन क्लाइंट डिवाइसेस जुड़े हुए होंगे, जितने भी आप जोड़ना चाहते हैं, 2, 4, 5, 10, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस पूरे सेटअप में आपको क्या क्या चाहिए होता है, नॉर्मली आपको एक मेन कंप्यूटर चाहिए होता है जिसके रिसोर्सेज को ये यूज़ करेंगे। दूसरा, आपको एक थिन क्लाइंट डिवाइस चाहिए होता है, साथ में एक मॉनिटर चाहिए होता है, एक कीबोर्ड और एक माउस, और आपका पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है। ये कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस तरीके का कुछ एक डिवाइस होता है थिन क्लाइंट, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं। बेसिकली सबसे पहले USB पोर्ट है जहाँ पर आप अपना कीबोर्ड या माउस कनेक्ट करते हैं। ये एक VGA पोर्ट है जहाँ पर अपना मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक LAN केबल के लिए जगह दिया हुआ है जहाँ से अपने नेटवर्क को आप कनेक्ट करते हैं। ये एक पावर सॉकेट दिया हुआ है जहाँ पर आप अडप्टर को कनेक्ट करेंगे, और ये ऑन ऑफ स्विच है। दोस्तों, बस इतना ही पूरा सेटअप होता है, यानी कि आपने एक कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के साथ इस थिन क्लाइंट को अटैच करना है, नेटवर्क पर कनेक्ट करना है और आपका जो काम है वो हो जाएगा। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो हमारा एक नॉर्मल जो कंप्यूटर है आज की तारीख में, अगर एक डुअल कोर सिस्टम भी आप लेते हैं तो आप ऐसे मानकर चलिए कि लगभग 15,000 से 20,000 रुपये उसकी कॉस्टिंग आपको आती ही आती है, जबकि इस सेटअप की कॉस्ट आपको हार्डली 6,000 से 7,000 रुपये आती है। आपका अराउंड 2,000 से 2,500 रुपये में थिन क्लाइंट आपको मिल जाता है, आपको 3,000 रुपये के आसपास एक मॉनिटर मिल जाता है, उसके अलावा आपका 500 रुपये में आपको अराउंड एक कीबोर्ड माउस का सेट मिल जाता है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है कि मान लीजिए अगर आपको कहीं कंप्यूटर लैब सेटअप करनी है स्कूल में, वहाँ पर अगर आपको 10 कंप्यूटर लगाने हैं और आप 15,000 रुपये का भी एक छोटे से छोटा सिस्टम मान कर चलें तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपये लगाने होते हैं। जबकि अगर यहाँ पर इस सेटअप की बात करें हम, तो आप एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ थोड़ा अगर आप बनाते हैं तो एक मेन सिस्टम बना लीजिए आप 20,000 रुपये में, उसके अलावा आपका 7,000 रुपये के हिसाब से आप ये 10 सिस्टम जोड़ लीजिए, 70,000 रुपीज़ आपके ये हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल मिला के आपका अराउंड 90,000 रुपीज़ में आपने पूरा लैब तैयार कर लिया। अब ये तो हुआ इनिशियल एक्सपेंस, इसके अलावा जो IT पर होने वाला आपका रनिंग एक्सपेंस है वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर को हम बात करें तो वो अराउंड कंज्यूम करता है 400 वाट्स के करीब पावर, जबकि इस सेटअप की जो पावर कंजम्पशन है वो हार्डली 10 वाट्स है, जिसमें से 5 वाट्स आपका LED ले लेगा और 5 वाट्स आपका ये थिन क्लाइंट ले लेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है आपके पावर कंजम्पशन पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम विंडोज़ के करप्ट होने की बात करें या हार्ड डिस्क के ख़राब होने की या कुछ भी और ख़राब होने की बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास प्रॉब्लम बहुत कम रह जाती हैं, बिकॉज हमारे पास सिस्टम्स ही नहीं है, हमारे पास थिन क्लाइंट है। तो जो भी प्रॉब्लम आती है वो हमारे मेन सिस्टम में ही आती है, जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं आसानी से बहुत कम खर्च में। तो दोस्तों, इस थिन क्लाइंट को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकली एक कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर चलाते हैं, आइए देखते हैं। और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आइए चलते हैं। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। थिन क्लाइंट सेटअप को लगाने के लिए हमें सबसे पहले यूज़र्स की ज़रूरत होती है। जितने भी थिन क्लाइंट हमें लगाने हैं, सपोज़ कीजिए आप एक सिस्टम के साथ 10 थिन क्लाइंट कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको उन 10 थिन क्लाइंट के लिए 10 अलग अलग यूज़र्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें यूज़र्स क्रिएट करने होते हैं। यूज़र्स क्रिएट करने के लिए आप दिस PC पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज ऑप्शन में जाएंगे, और मैनेज ऑप्शन के अंदर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर यूज़र्स एंड ग्रुप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप यूज़र्स के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र पर जाएंगे, और यहाँ से जो भी यूज़र आपको क्रिएट करने हैं उनको स्पेसिफाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक यूज़र बना लेता हूँ ABC, उसके फुल नेम में अगर कुछ मैं देना चाहता हूँ तो वो दे देता हूँ, नहीं देना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं उसके लिए पासवर्ड स्पेसिफाई कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र जब लॉगिन करे फर्स्ट टाइम तो उसको अपना पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी मिले, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। अदरवाइज आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और पासवर्ड नेवर एक्सपायर ले लीजिए, सो दैट इस यूज़र का जो पासवर्ड है वो एक्सपायर ना हो ऑटोमेटिकली। यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया है। आपको जितने भी यूज़र क्रिएट करने हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
दोस्तों इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब दूसरे स्टेप में हमें अपने सिस्टम पर रिमोट डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है वो इनेबल करना होता है, और साथ ही स्पेसिफाई करना होता है कि किन किन यूज़र को हम परमिशन देना चाहते हैं जो रिमोट डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अगेन दिस पीसी पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर एक रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है। रिमोट डेस्कटॉप ऑप्शन में मेरा रिमोट डेस्कटॉप पहले से इनेबल है, अगर आपका इनेबल नहीं है तो आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे इस तरीके से। नीचे हम आएंगे यूजर अकाउंट्स में, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट यूजर्स दैट कैन रिमोटली एक्सेस दिस पीसी, इस पर क्लिक करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करके हमने जो यूज़र बनाया है उसको हम सर्च कर लेंगे। एडवांस बटन पर क्लिक करके फाइंड पर जाएंगे और ये हमारा यूज़र आ गया जो हमने अभी क्रिएट किया था, इसको हम ओके करके सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। दोस्तों नॉर्मली जो ऑफिस में या घर पर हम नेटवर्क यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिक आईपी पर चल रहा होता है, पर चूंकि ऑटोमेटिक आईपी में आपका जो आईपी एड्रेस है वो बार बार बदलता रहता है, इसलिए हमारा जो थिन क्लाइंट है उसको हमारा आईपी सर्च करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर ये होता है कि हम अपना जो आईपी एड्रेस है उसको फिक्स कर लेते हैं, हम स्टैटिक आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर लेते हैं अपने सिस्टम के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये नेटवर्क वाला जो ऑप्शन है इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर हम चेंज अडाप्टर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से हमारा जो नेटवर्क है चाहे वो आपका वायर्ड नेटवर्क है या आपका वायरलेस नेटवर्क है, जैसे मेरा भी जो है वो वायर्ड नेटवर्क है तो मैंने यहाँ से ईथरनेट ले लिया, इस पर डबल क्लिक करके देखेंगे हमारा भी ये कनेक्टिविटी बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जो नेटवर्क में आईपी एड्रेस आपका जिस रेंज का चल रहा है वही रेंज आपको अपने सिस्टम में भी देनी है। इसको चेक करने के लिए आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं मेरा जो अभी DHCP है वो इनेबल है और मेरा आईपी एड्रेस ये आ रहा है 192.168.1.106। दोस्तों मैं इसी रेंज का कोई आईपी एड्रेस जो कि फ्री है किसी और सिस्टम पर नहीं दिया गया है मैनुअली यहाँ पर ऐड कर दूंगा। वो कैसे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जाएंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपके नेटवर्क में आईपी रेंज चल रही हो। दोस्तों मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया है। दोस्तों विंडोज 10 में आपको एक ही कॉन्करेंट यूज़र का ऑप्शन मिलता है, इसका मतलब ये है कि आप एक ही जगह से एक बार में लॉगिन कर सकते हैं, या तो आप थिन क्लाइंट से लॉगिन कर पाएंगे या आप डेस्कटॉप से लॉगिन कर पाएंगे, आप दोनों जगह एक साथ लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें विंडोज़ में एक पैच इंस्टॉल करना होता है जिसका यूज़ करके आप ये जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पैच पर जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक कुछ फाइल्स हैं जिनमें से कि RDP चेक, RDP कॉन्फिग और RDP इंस्टॉलर है। यहाँ पर RDP चेक से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो RDP में आपने यूज़र्स बनाए हैं वो सक्सेसफुली बने हैं या नहीं, इस तरीके से कुछ कनेक्ट करके आप यहाँ पर देख पाएंगे। अभी जैसे ये कनेक्टिंग दिखा रहा है इसका मतलब मेरा RDP जो है वो वर्किंग में नहीं है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको वर्किंग में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंस्टॉल बैट जो फाइल है इस पर राइट क्लिक करना होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। अगर आपके पास यूज़र एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन आएगा उसे आप यस करेंगे, ये जो पैच है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप फिर से RDP चेक पर जाएंगे। अभी आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है, इसका मतलब हमारा जो RDP है वो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर चुका है। इसके अलावा RDP कॉन्फिग जो फाइल है इसको आप चेक करके देखेंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे लिखा हुआ आएगा रैपर स्टेट इंस्टॉल्ड, सर्विस स्टेट रनिंग, लिसनर स्टेट लिसनिंग बट नॉट सपोर्टेड। नॉट सपोर्टेड का मतलब ये है दोस्तों कि अभी आपका जो विंडोज़ है उसमें कोई अपडेट है जो इस पैच को सपोर्ट नहीं करता। इसको सपोर्ट कराने के लिए हमें कुछ चीज़ें चेक करनी होंगी, वो कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमें इसके लिए जाना होगा, ये जो पैच है ये इंस्टॉल होता है हमारे सी ड्राइव पर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर RDP रैपर में। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है RDP रैपर, यहाँ पर एक फाइल आ रही होगी rdprapper.ini, इसको आप एडिट करेंगे और सबसे नीचे चले जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये वर्जन हमारा अवेलेबल है यहाँ पर या नहीं। यहाँ पर आप देखिए 10.0.19.041.662, क्या ये वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो वर्जन है वो बहुत पुराना है,
ये अपडेटेड वर्जन हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटरनेट पर सर्च करना होगा। गूगल पर आप ढूंढेंगे, आप RDP रैपर वर्जन सो एंड सो डालेंगे, जो भी आपका वर्जन यहाँ पर आ रहा होगा, और सर्च करेंगे तो ये जो फाइल्स हैं इनकी लिस्ट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मैंने ये ऑलरेडी अपने पास रखी हुई है सर्च करके, तो मैं इसमें यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये जो INI फाइल है, ये अपडेटेड INI फाइल है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा वर्जन नंबर है वो यही आ रहा है सेम। आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इस फाइल को वहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ये फाइल मैंने यहाँ से कॉपी की और यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में RDP रैपर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों अब आप RDP कॉन्फिग को चेक करेंगे और आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका फुल्ली सपोर्टेड आ गया है। अगर किसी वजह से यहाँ पर अभी भी फुल्ली सपोर्टेड नहीं आ रहा है और आपने वर्जन चेक कर लिया है दोनों सेम है, तो आप एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लें। कई बार रिस्टार्ट ना करने की वजह से भी यहाँ पर ये सपोर्टेड नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपके सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग में है, इंस्टॉल्ड आ रहा है, रैपर रनिंग आ रहा है, लिसनिंग आ रहा है, फुल्ली सपोर्टेड आ रहा है। इसको आप ओके कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद आपको जाना होगा अपने थिन क्लाइंट पर और वहाँ से जाकर इसको कनेक्ट करना होगा। तो आइए अब हम चलते हैं थिन क्लाइंट के स्क्रीन पर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने अपने थिन क्लाइंट को कनेक्ट कर लिया है और उसकी जो स्क्रीन है वो हमारे सामने ओपन होकर आ गई है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपना नेटवर्क केबल इसमें कनेक्ट किया है और ऑटोमेटिकली इसके पास IP एड्रेस आ गया है हमारे राउटर से। अभी हमें क्या करना होगा कि सर्वर के लिए यहाँ पर एक अकाउंट बनाना होगा जिसके थ्रू हम सर्वर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लाइंट का नाम स्पेसिफाई करेंगे, जो भी हम देना चाहें। आप आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ सर्वर, रिमोट IP में हम अपने सर्वर का जो IP एड्रेस हमने दिया था वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। यूज़र नेम में जो हमने यूज़र नेम क्रिएट किया था, जैसे हमने यूज़र नेम दिया था ABC, हमने यहाँ पर दे दिया। लॉगिन पासवर्ड में जो हमने पासवर्ड स्पेसिफाई किया था वो हम यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर अगर पोर्ट नंबर आपका डिफ़ॉल्ट है, आपने कोई चेंज नहीं किया है, तो वही पोर्ट नंबर रहने देंगे। अगर आपने कुछ पोर्ट नंबर में चेंज किया है तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर देंगे। जैसे मेरा पोर्ट अगर मैं बात करूँ तो कुछ और है, मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। बाकी चीज़ों को आप एज इट इज़ छोड़ देंगे, मैं सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। अब मुझे सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या मेरा जो थिन क्लाइंट है वो मेरे सिस्टम तक, मेरा जो सर्वर है उस तक नेटवर्क एक्सेस कर पा रहा है। उसके लिए हम जाएंगे टेस्ट में और यहाँ पर सर्वर को सेलेक्ट करके चेक बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब मेरा जो थिन क्लाइंट है वो मेरे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, मेरे सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ऐसा कब होता है? नॉर्मली दोस्तों ऐसा तब होता है जब आप या तो एक नेटवर्क पर ना हो, या आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो, आप एक दूसरे को कनेक्ट ना कर पा रहे हो, या आपका जो सर्वर है जो आप बनाना चाह रहे हैं, आपका जो सिस्टम है उस पर आपने फायरवॉल को ऑन रखा हो। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने फायरवॉल को ऑफ कर देंगे। फायरवॉल को आप ऑफ कर सकते हैं या तो अगर आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल है वहाँ से, या फिर अगर आप कोई एंटीवायरस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो विंडोज़ डिफेंडर का जो फायरवॉल है उसको आप ऑफ कर सकते हैं। मैं अभी अपना फायरवॉल को ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा जो फायरवॉल है वो ऑन है और मैं यहाँ से उसे ऑफ कर देता हूँ। मैं दोबारा से अब टेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं फिर से टेस्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, चेक पर जाता हूँ और आप देख सकते हैं इस बार मेरा जो पिंग है वो प्रॉपर काम कर रहा है, मेरे को रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो सिस्टम है वो कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अब मुझे कनेक्ट पर जाना है और यहाँ इस कनेक्ट बटन को क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि आपका जो यूज़र है वो स्टार्ट हो गया है और हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, अनदर यूज़र इज़ साइन इन, इफ़ यू कंटिन्यू दे विल डिसकनेक्टेड, डू यू वांट टू साइन इन एनीवे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप एक बार में एक ही यूज़र को चला सकते हैं, आइदर थिन क्लाइंट पर चलाएं या डेस्कटॉप पर चलाएं, कहीं पर भी चलाएं, एक यूज़र एक ही जगह चलेगा। दोनों जगह आप एक साथ नहीं चला सकते बाय डिफ़ॉल्ट, उसके लिए आपको RDP रैपर इंस्टॉल करना होता है। तो हमने वो इंस्टॉल तो कर लिया है पर अभी अपने सिस्टम रीस्टार्ट नहीं किया है, तो हम एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से नो कर देता हूँ और पहले सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया है, अब इसको फिर से कनेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करते हैं और
बिना किसी मैसेज के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पर लॉगिन हो गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन हमारे सामने आ गया है, और जो हमारे सिस्टम में था, जैसा हमारे सिस्टम में था, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे, वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। पूरी तरीके से हम सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। और ये प्रॉपर स्मूथली जैसे गूगल आपका चलता है उसी तरीके से यहाँ पर ओपन हो गया है। मैं कुछ और भी ओपन कर लेता हूँ। मैं सपोज़ कीजिए कोई एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सपोज़ एक्सेल ले लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉपर एक्सेल यहाँ पर काम कर रहा है। तो पूरे सिस्टम को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। जो आपके मेन सिस्टम में है वही यहाँ पर आ जाएगा, पूरा आपको वही फीलिंग आएगी, सब कुछ वही होगा। मे बी पॉसिबल आपको वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा लग रहा हो थोड़ा चीज़ें रुक रुक कर चल रही हैं, या फिर हो सकता है वीडियो में आपको थोड़ा सा स्मूथनेस में कमी दिखाई दे रही हो, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग है। एक्चुअल में आपका जो थिन क्लाइंट है वो स्मूथली वर्क करता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम वर्क करता है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल सिस्टम्स में, या कह लीजिए आप एक कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर चलाना चाहें चला सकते हैं। कितने आप चला सकते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज़ कीजिए 4 सिस्टम चलाना चाहते हैं या 5 सिस्टम चलाना चाहते हैं, और आपका बेसिक यूज़र सिर्फ इंटरनेट सर्व करना है, या आपको कुछ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का काम होता है, तो आप एक जनरल आज की तारीख में जो अवेलेबल 9th generation ड्यूअल कोर सिस्टम है पेंटियम ड्यूअल कोर, वो यूज़ कर सकते हैं। पेंटियम ड्यूअल कोर के साथ आप 8GB रैम यूज़ कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट होगी। आप इजीली 4-5 यूज़र को चला पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों, अगर आपका साइबर कैफे है या स्कूल है या कोई भी और आप इस तरीके का वर्किंग करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इसे अपने सेटअप में इंस्टॉल करें और यूज़ करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस थिंक क्लाइंट के बारे में, या आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।